टनल नंबर 25.518 मीटर। फर्स्ट व्यू कुछ ऐसा नजर आता है अरकू वैली का। एक और टनल आने वाला है, ये आ गया अपन अंदर। तो गुड मॉर्निंग यार, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो पर। और अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 5:30। हम लोगों को आज जाना है अरकू, तो हमारी जो ट्रेन है वो है 6:30 बजे और अभी बज चुके हैं 5:30। तो हम लोग हो चुके हैं पूरा रेडी, सामान वामान भी अपन होटल के नीचे लेके जा चुके हैं। बस लास्ट टाइम रूम चेक करने के लिए आया था, कुछ छूट तो नहीं गया करके, ये था अपना रूम आप देख सकते हैं। तो चलिए यार जल्दी से नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स लोगों ने रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो मंगा चुका है और सुबह यार किसी का नींद नहीं खुला। अपन लोग चाह रहे थे कि 4 बजे उठ जाएंगे करके, लेकिन 4:45 को मेरा नींद खुला यार। मैं देखा एकदम डर गया, बहुत लेट हो चुका है, कहीं अपना टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे करके। फिर सब लोगों को उठाया, सब लोग एकदम जल्दी जल्दी रेडी हुए और हो गया फाइनली टाइम में हम लोग रेडी। देख सकते हो यार पूरा अंधेरा है, क्योंकि आप लोगों को बताया कि अभी टाइम हो चुका है 5:30, 5:30 बज रहे। तो यार अभी ऑटो में है और जस्ट पहुँचने वाले रेलवे स्टेशन। तो यार अभी लगभग बज रहे 6 और हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये रेलवे स्टेशन है और ये वाले ऑटो से अपन लोग आए हैं। सबका चेहरा आप देख सकते हो, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी में रेडी हुए हैं ना, तो नहाए तो कोई नहीं है, सब ऐसे फ्रेश वगैरह हो गए और तुरंत आ गए, क्योंकि 6:45 को अपना ट्रेन है यहाँ से विशाखापट्टनम से अरकू के लिए। यार हम लोग तो टाइम में पहुँच गए अपना रेलवे स्टेशन और ये आप देख सकते हो रेड वाली जो ट्रेन है विशाखापट्टनम किरंदुल एक्सप्रेस, वो खड़ी हुई है। और अभी हम लोग पीछे जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को सबसे आगे है S1, इंजन के जस्ट पीछे है। और इधर अपन अभी जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव कार को देखने। हम लोग चाहते थे यार एग्जीक्यूटिव कार में बुक करना, बट जिस टाइम हम लोग टिकट बुक किए उस वक्त उसमें बिल्कुल भी सीट खाली नहीं था, क्योंकि 3 ही बोगी है एग्जीक्यूटिव कार की और इसमें अनरिजर्व सबसे ज़्यादा है और स्लीपर की भी खाली 1 ही बोगी है, पता नहीं ऐसा क्यों। बट पीछे है एग्जीक्यूटिव कार। जो रास्ता है विशाखापट्टनम टू अरकू, उसमें लगभग 58 टनल आते हैं और उस टनल को देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोगों को अच्छे से खिड़की से देख पाए व्यू। और तो यार देख सकते हैं आप लोग, मैं इस कोच की बात कर रहा था, इसमें आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, जिससे जो नज़ारा होगा वो भी आप बहुत खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं ये पूरा। और ये दोनों साइड लगे हुए हैं, प्लस ये ट्रेन के ऊपर भी लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को इस कोच के अंदर जाके दिखाने का। देख सकते आप ये कोच है, लगेज आप बाहर ही रख दीजिए, आपको अंदर ओनली बैठना है और इन्जॉयमेंट करने। तो देख सकते हैं आप अंदर से, इधर भी ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है और इस तरफ भी ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है और साथ ही साथ ऊपर भी, तो काफ़ी खूबसूरत है यार। एग्जीक्यूटिव कार है तो आपके लिए रेड कारपेट भी अवेलेबल है, पीछे भी आप देख सकते हैं आपके लिए पूरा ग्लासेस लगे हुए हैं और आपके लिए फ्रीज वगैरह काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। तो यार यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूटिव कार देखने आए थे, तो भैया लोग मिल गए और इन लोगों का इस एग्जीक्यूटिव कार में टिकट है। तो इन लोग से पूछते हैं कि ये लोग कितना पहले टिकट बुक किए और कैसे इन लोगों को इसमें बुकिंग कंफर्म मिल गया। हम लोग भैया कलकत्ता से आए, पूरे परिवार के साथ आए, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। भाई आपको पूरी फैमिली है? पूरी फैमिली हमारी फैमिली है हम लोग, और हम लोग पूरे टीम बनाए हैं विशाखापट्टनम घूमे। आप लोगों का यूट्यूब में चैनल में हम लोगों ने देखा, देखने बाद हमने समझा कि बहुत ही अच्छा है ये। आप लोगों ने ये एग्जीक्यूटिव कार का जो टिकट है वो कितने दिन बुक पहले पहले बनाया? क्यों क्या है कि आप लोग जैसे ब्लॉगर भी यूट्यूब में डालते हैं, तो हम लोग को भी मालूम पड़ता है कि कितना बढ़िया सुविधा आप लोग की तरफ से मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और आप लोग का चैनल देखने से हम लोग ये फायदा होता है कि किस तरह का फैसिलिटी रेलवे की तरफ से चालू हुआ है। हम लोग पूरा वाइजैक सिटी घूमे हैं, पूरा घूम चुके हैं, पूरा घूम चुके वाइजैक। अभी अरकू जा रहे हैं, बहुत 3 दिन स्टे रहेंगे हम लोगों को। वाइजैक कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही सुंदर सिटी है, मैं तो बोलना चाहूंगा कि सभी टूरिस्ट से कि आप लोग आइए घूमिए, बहुत ही अच्छा सिटी है। हिंदुस्तान में ऐसा वन एंड ओनली सिटी है जहाँ सी बीच और हिल एरिया और लैंड का तीनों का ब्यूटीफुल मिलता है। तो यार हमारी जो ट्रेन है वो विशाखापट्टनम से अरकू जाने के लिए निकल चुकी है। अभी हम लोग बैठे हैं अपने कोच पर, देख सकते हो इधर कुशल और तरुण के साथ मैं यहाँ पे बैठा हूँ, निखिल और कुमेंद्र भाई पीछे बैठे और आयुष्मान लोग आगे बैठे हैं। तो यार अपन लोग अभी थोड़ी देर पहले विशाखापट्टनम से चले थे और विशाखापट्टनम से लगभग 10 मिनट चलने के बाद एक स्टेशन आ चुका है और जिस पर ये ट्रेन आकर रुका है, जिसका नाम है श्रृंगवरपुकोटा। आप देख सकते हैं, देख से इधर पीछे लिखा है, मेरे को तो समझ जितना आया मैं उतना पढ़ के सुना दिया। देख सकते हो और आप लोग यहाँ का मिक्सचर और बिस्किट इंजॉय कर रहे हैं। नहीं किए ना, सुबह 6 बजे हम लोग का उठ के सीधा रश हो गया। सुबह काफी जल्दी हम लोग उठ गए थे, तो उस टाइम तो अवेलेबल था नहीं कुछ, और अवेलेबल रहता तो भी हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि हम लोगों को जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन आना था।
और इससे पहले एक स्टेशन में हम लोगों का जो ट्रेन है वो काफ़ी देर तक रुका हुआ था, क्योंकि टनल है तो रास्ता एक ही है, तो पहले एक ट्रेन गए उसके बाद आया, इस वजह से शायद इस सफ़र में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे ये रोड दिखाई दे रहा होगा और इसी ट्रैक से अपना ट्रेन होते हुए जाएगा। और आप देख सकते हो दोस्तों ये कितना पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है और इनके बीच से जो विशाखापट्टनम से अरकू वैली का जो सफ़र है वो होकर गुजरने वाला है, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यार। पता नहीं ये कैमरे में कितना खूबसूरत रिकॉर्ड हो रहा है, बट रियल में बहुत अमेजिंग नज़ारे हैं, आप देख लीजिए। भाई स्टेशन आ गया तो यार 7 टनल क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक स्टेशन आया है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ लोग उतर रहे हैं। इसका नाम है शिवलिंगपुरम। तो विशाखापट्टनम से जो अरकू का रास्ता है उसमें 7 टनल के बाद एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर एक स्टेशन सिचुएटेड है शिवलिंगपुरम, बहुत खूबसूरत। तो यार मैं आप लोगों को गूगल मैप से दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पे हैं। ये आप देख सकते हैं ये आजू बाजू पूरा जंगल और पहाड़ है और बीच में आप देख सकते हैं इनके बीच से हम लोग चल रहे हैं। अभी थोड़ी दूर में टनल आने वाला है इधर, यहाँ पे देख सकते हो आप, तो बहुत खूबसूरत लोग। रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, देख सकते हो आप इधर। मैं इस खिड़की से पूरा वीडियो बना रहा हूँ और कभी भी आप विशाखापट्टनम आते हैं तो अरकू वैली जरूर जाए दोस्तों। अगर आप अरकू वैली घूमे ना घूमे लेकिन आप रूट से होकर जरूर जाए, क्योंकि ये जो रूट है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने को मिलेगा। इतने सारे टनल्स और इतने सारे ब्रिजेस बनाए गए, देख के ऐसा लगता है इसको बनाए कैसे होंगे भाई। ये फिर से टनल आ गया, तो काफ़ी छोटे छोटे टनल्स आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो सबसे लंबा टनल मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है वो 0.5 किलोमीटर लंबा था, 503 मीटर, और वो बहुत ज़बरदस्त था। इतना खूबसूरत है यार बाहर का नज़ारा है, देख सकते हो आप। और ये मेरे कैमरा बिहाइंड द सीन जो भी आप शॉट देखेंगे यही लोग ले रहे हैं, चेले लोग हैं। तो यार काफी लंबा टाइम तक टनल में रहने के बाद फाइनली ट्रेन किसी एक स्टेशन पर रुके है। जैसे ही कोई स्टेशन आते हैं पूरा ट्रेन खाली हो जाता है, सब बाहर आ जाते हैं। ये स्टेशन का नाम आप लोगों को इधर का कुछ व्यू दिखा देता हूँ। जो सिटी हो बच चुका है वापस से, बुलावा आ चुका है ट्रेन के अंदर आ जाओ करके, और देख सकते हो अपना सैलू भाई, हेलो तरुण भैया, बुलावा आ गया ट्रेन का। चलो तो यार इस ट्रेन का जो जर्नी है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप खुद आएंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे। बस थोड़ी देर में आ जाएगा,
अर्कू वैली, तो आगे के अपडेट्स आप लोगों को मैं डायरेक्ट अर्कू पहुँच कर देता हूँ। तो यार इतने खूबसूरत सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर, जो कि है अर्कू वैली। और रास्ता तो आप लोगों को दिखाया ही कितना खूबसूरत था। ये था अपना कोच जिसमें अपन लोग बैठ के आए हैं, और फर्स्ट व्यू कुछ ऐसा नज़र आता है अर्कू वैली का। आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो पैसेंजर्स हो यहीं उतर रहे हैं, और ये ट्रेन आगे छत्तीसगढ़ तक जाएगी, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा तक। और लेकिन सब लोग मैक्सिमम पीपल जो है अर्कू वैली घूमने आते हैं इस सफ़र से, और हम भी उतर गए बाहर। इतना ज़बरदस्त नज़ारे देखने को मिले इस सफ़र में यार, बता नहीं सकता, बहुत खूबसूरत है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये अर्कू वैली का साइन बोर्ड। हम लोग विशाखापट्टनम से निकले थे सुबह लगभग 7:45 बजे, और अभी लगभग बज रहे हैं 12:15, तो लगभग 4 से 5 घंटे का था ये सफ़र। डिस्टेंस देखेंगे आप लोग बाय ट्रेन तो केवल 130 किलोमीटर है विशाखापट्टनम से अर्कू का, लेकिन जो रास्ता है वो पूरा पहाड़ों को काट कर ही बनाया गया, पूरे टनल्स और ब्रिजेस से भरे हुए रास्ते हैं, इस वजह से इसमें आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। और जो लेन है वो सिंगल लेन है, तो अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही हो तो उसको भी समय देने के लिए थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आप इसके आने वाले वीडियो में देखेंगे कि अर्कू वैली में घूमने लायक और कौन कौन सी जगह है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।